सो हे गाइस, वेलकम बैक हो आपका फिर अपने गेमिंग वाला में। सो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सो इस वाली वीडियो के अंदर भाई हम हमारे GTA 5 के अंदर प्रिजन मोड डालना सीखेंगे भाई, कैसे डालना है, ठीक है? तो पूरा वीडियो पूरे एंड तक प्रॉपरली देखना, सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना, नहीं तो तुम्हारे इसमें ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, एरर्स आएंगे, ठीक है? तो फटाफट इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलेंगे भाई, कैसे करना है, ठीक है? तुम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है? फर्स्ट या सेकंड नंबर पे तुमको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम जाके इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। ये तुमको ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? और प्रिजन के और भी कई सारे मोड्स हैं जो तुम लोगों को मिल जाएंगे, उसके अंदर किसमें टास्क है, किसमें क्या है, बाकी बेसिक्स है, ये सबसे अच्छा है, तो तुम ये वाला चेकआउट कर लेना और अपने इसमें इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? सो इसको इंस्टॉल करने के लिए तुमको कुछ बेसिक सी फाइल चाहिए रहती है मोडिंग के लिए। तुम GTA 5 के कोई भी मोड करना हो तो एक बेसिक सा चाहिए, बेसिक जो है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगे फाइल्स, ठीक है? ओपन आई वी स्क्रिप्ट हो गई, .NET मेन्यू वगैरह, ये सब आपको इंस्टॉल करना रहता है, ठीक है? तो जो भी पहली बार मोडिंग कर रहा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो उसको ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। इसके अंदर जो भी फाइल्स है ना, जो भी बेसिक है, वो पूरा कवर कर रखा है मैंने पूरे डिटेल्ड में, तो इसको जाके चेकआउट करो, इसको पूरा इंस्टॉल करो प्रॉपरली, ठीक है? उसको इंस्टॉल करने के बाद एक और वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो भी चेकआउट कर लेना। ये गेम क्रैशेस को फिक्स करता है, गेम क्रैश होने से बचाता है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे मोड्स इंस्टॉल करोगे अपने इसमें तो आपका गेम क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए ये वाला मोड है, इसको तुमको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? ये दोनों अगर आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद हम वाले इस पर आ जाते हैं, ठीक है? तो तुम याद से कर लेना, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा उनको कोई नीड नहीं है, बट जो पहली बार ये मोडिंग कर रहे हैं ना, जिसने पहली बार ये वीडियो देखा या मोडिंग करना चाह रहे पहली बार देख के, तो उन लोगों को ये वाले मोड इंस्टॉल करने जरूरी है, ठीक है? सो भाई ये मैंने डाउनलोड कर लिया, हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, हम ओपन करेंगे हमारा डाउनलोड फोल्डर, ठीक है? तुम भी अब तुम्हारा फोल्डर ओपन कर लेना जहाँ पे तुम लोगों ने डाउनलोड किया हो, वैसे डिफॉल्ट डाउनलोड में ही होता है, ठीक है? यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये रार फॉर्मेट है, ये प्रिजन मोड करके हमारी जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है। ये रार फॉर्मेट है, रार फॉर्मेट क्या होता है जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ, बुक जैसा दिख रहा है ये रार फॉर्मेट है, ठीक है? इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके? अगर फोल्डर के पास जिप होगी तो 7-zip फॉर्मेट होगा, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मेट अगर होंगे तभी तुम एक्सेस कर पाओगे इन फाइल्स को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक पेपर जैसा आइकन दिखेगा और तुम उसको ओपन नहीं कर पाओगे। तो तुम लोगों को ये दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई सा भी एक चाहिए तो तुम सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना विनर या 7-zip, फर्स्ट या सेकेंड ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी, तुमको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड करना, एक या दो स्टेप सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद में तुम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है? ओके, सो हमारे एक्सट्रैक्ट हो चुका है प्रॉपरली। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमको तीन फाइल्स दिख रही है, एक मॉडेड, एक प्रिजन मॉड डॉट डी एल एल एंड रीडमी फाइल, ठीक है? इसके अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस और कैसे क्या करना है सारी चीज़ें लिखी है, और एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, ठीक है? ये मॉडेड फोल्डर है और एक ये वाला है, ठीक है? तो भाई इसके अंदर क्या है, जो मॉडेड फोल्डर है ना, इसके अंदर ड्रेस है, जो ऑरेंज वाली, जो प्रिजन में जो भी भाई जेल के अंदर कैदी रहते हैं ना, उनकी जो ड्रेस रहती है बाहर की कंट्रीज में ऑरेंज कलर की रहती है, तो ये भाई तीनों कैरेक्टर की अपने ड्रेसेस है, अपनी माइकल की है, ट्रेवर की है और फ्रैंकलिन की, ठीक है? ये तीनों उनकी ड्रेसेस है, ओके? और ये एक हमारा मोड है, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी ड्रेसेस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना ओपन आई वी ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तुम लोगों को अपना ओपन आई वी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तुमको एक सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है, उसके बाद ही तुम्हारी मॉडिफिकेशन हो पाएगी। अगर वो तुम नहीं करोगे तो तुमको एरर्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो सिंपली क्या करना है, ओपन आई वी ओपन हो गया। ओपन होने के बाद तुमको एडिट मोड पे याद से क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना, ठीक है? ये हमारा एडिट मोड एनेबल हो गया, मतलब इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फाइल्स को, ठीक है? और जो भी तुम लोगों को एडिट करना है इसके अंदर आराम से हो जाएगा। एक और चीज़, अगर गेम बैकग्राउंड में रनिंग में है, मतलब गेम पीछे अगर चालू है, कोई फाइल चालू है गेम्स की, तो तुम्हारे इसमें भाई तुम नहीं कर पाओगे कोई एडिटिंग, तुमको एरर आएगा कि तुम्हारे जो कुछ फाइल्स है वो ओपन है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने गेम को क्लोज करना, एडिट मोड पे क्लिक करना, उसके बाद ही तुम कुछ भी एडिटिंग अपने GTA 5 की मोडिंग के लिए कर पाओगे ओपन आईवी के अंदर, ठीक है? अब हमको क्या करना है भाई, हमको जाना है ये मोडेड फोल्डर है जो हमको एक पाथ पे जाके कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? अभी हम मोड फोल्डर खोलेंगे, इसके अंदर हमको दिखेगा X64A और X64E है, ठीक है? हमारे पास V नहीं है, हमको काय में कॉपी पेस्ट करना है X64V में। तो तुम लोगों को सिंपली बैक आ जाना है यहाँ पे, ठीक है? मैं डायरेक्टली अपन ने ओपन कर रखी है, इसको सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तुमको सर्च करना है X64V वी 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 वी, ओके ये रहा, ठीक है? इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है कॉपी टू मोड फोल्डर, तो तुमको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना कॉपी टू मोड फोल्डर, ठीक है? तो हमको सीधे मोड फोल्डर में ही ले जा चुका है, ठीक है? अगर तुमको मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ से बाहर आके, ठीक है? ये हम वापस बाहर आ गए,
देन मोड फोल्डर के अंदर जाऊंगा, देन तुमको दिख रहा है x64v.rpf, ठीक है, ये पाथ हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद तुमको दिखेगा मॉडल नाम का फोल्डर, मॉडल मॉडल्स में जाएंगे, CDI इमेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमको जाना स्टीम पैड्स प्लेयर डॉट आर पी एफ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर जाने का तुमको दिख रहा है प्लेयर जीरो, प्लेयर टू, प्लेयर सॉरी प्लेयर वन, प्लेयर टू और प्लेयर जीरो, ठीक है। इसमें ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन तीनों की चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये ओपन करेंगे। ओके, प्लेयर वन की फाइल हम प्लेयर वन में डालेंगे, प्लेयर टू की प्लेयर टू में, प्लेयर जीरो की प्लेयर जीरो में, ठीक है। तो सिंपली हम प्लेयर वन को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर भी वाला फोल्डर ओपन करते हैं अपना जो हमने डाउनलोड किया था। इसकी जो ड्रेसेस है ना वो है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हो चुका है, ठीक है। देन हम यहाँ पे सेकंड वाला ओपन कर लेते हैं, प्लेयर टू ओपन कर लिया मैंने, सिंपली ये भी मैंने डाला, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको बैक किया, इसको बैक किया, प्लेयर जीरो में चल गया, ये तीनों, ये दोनों ओपन, ये दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये हमने ओपन किया जीरो वाला प्लेयर वाला, और ये सिंपली डाल दिया, ठीक है। तो भाई हमारी ये जो ड्रेसेज ये प्रॉपरली हमने डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमको ओपन करना हमारे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी तो हम सिंपली यहाँ जब अपना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 है, यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी या ओपन फाइल लोकेशन करके भी जा सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं बता रहा है तो तुम लोग सिंपली अपने सी ड्राइव के अंदर चले जाना, मिल जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ है मेरा पाथ का, मेरा पिक से है तो मेरा डिफरेंट होगा, अगर आपका स्टीम या रॉकस्टार से है तो आपके फोल्डर्स डिफरेंट होंगे, बाकी ऑलमोस्ट पाथ सही होगा, ठीक है। ओके, सो मैंने अपना दिस पीसी ओपन कर लिया, दिस पीसी में जाने के बाद मैं सी ड्राइव में जाऊंगा, ठीक है। सी ड्राइव में जाने के बाद तुमको जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर तुमको एपिक का नाम का फोल्डर दिख रहा है, एपिक गेम्स का नाम का, ठीक है। उसके अंदर ये GTA 5 ही रहा, मेरा एपिक से है इसलिए एपिक गेम्स के फोल्डर के अंदर, अगर आपका स्टीम से है तो स्टीम फोल्डर, स्टीम के नाम का फोल्डर होगा उसके अंदर मिल जाएगा, और रॉकस्टार से है तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 या GTA 5 के नाम से होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तुम लोग देख लेना, बाकी तुम अगर यहाँ से तुमको ओपन फाइल लोकेशन बता रहा है तो बहुत ही ईजी बात है, तुम वहाँ से डायरेक्टली पहुँच जाओगे, ठीक है। सो मेरा ये ओपन हो चुका है, GTA 5 की मैं डायरेक्टली मैंने ओपन कर लिया। अब हमको क्या करना है भाई, ये हमको एक और दिख रहा है प्रिजन मोड डॉट डी एल एल जो फाइल है, इसको हमको कॉपी एंड पेस्ट करना है कहाँ पे, अपने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। GTA 5 की जो मेन डायरेक्टरी उसके अंदर स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमको डालना है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमको डालना है भाई, ठीक है। सो भाई अगर तुम लोगों के इसमें स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली तुमको क्या करना है, सिंपली न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम दे देना स्क्रिप्ट, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। सिंपली तुमने ऐसे फोल्डर क्रिएट कर लोगे, देन ओपन करने के बाद ये जो प्रिजन मोड है इसको सिंपली उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है, या फिर कॉपी पेस्ट कर देना जो तुमको ठीक लगे। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हमारा मोड इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो गया, पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ओके, सो भाई जिन लोगों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको मोड करना है अपने GTA 5 को, ये वाला मोड डालना है, जिनने पहली बार ये मोडिंग के लिए देखा है वीडियो, तो तुम लोगों को बेस क्रिएट करना है, मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। तो उसके अंदर सारी फाइल्स मैंने इंस्टॉल करना बताइए, नेटिव UI वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर तुमको मिल जाएगी। तो अगर तुमने वो किया होगा तो तुम्हारा स्क्रिप्ट फोल्डर बना होगा, तो तुमको बनाने की ऐसी नीड नहीं है, अगर नहीं हो तो बना लेना, ठीक है, और नेटिव UI भी डाल लेना, ठीक है। तुम वीडियो चेकआउट कर लेना, उसके अंदर सब मिल जाएगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और भाई अपना गेम लॉन्च करके देखते हैं कि प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। और जो भी चैनल पे ना भाई, चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना, इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स के तगड़े वीडियो, एंटरटेनमेंट के वीडियोज़ भी है कुछ, और अभी आने वाले टाइम में, तो चैनल को चेकआउट करो। इन वीडियोज़ से आपको हेल्प मिल रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम रख रहा हूँ भाई 20 लाइक कर देना, 20 लाइक तो बनते, ठीक है, मतलब 20 लाइक तो तुम कर ही सकते हो, तुम फटाफट कर देंगे वो पता है, ठीक है। और अगर तुमको भाई हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके गाइस, हम हमारे GTA 5 के अंदर एंटर हो चुके भाई, देख रहे हो अपना माइकल आ चुका है अपनी जी बगल के यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तब मोड टेस्ट कर लेते अपन अपना, तो मेन्यू के थ्रू मैं अपनी जो वांटेड लेवल है वो बढ़ा लेता हूँ, एक ही रखना, एक से ज़्यादा रखोगे तो सीधे तुमको शूट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एक रखोगे तो सीधे सिंपली आएगी, तुमको सरेंडर करने के लिए बोलेगी, तुम उसको सरेंडर कर लेना, बिना शूट करे, ना शूट करना है ना एम करना है, नहीं तो तुमको भी जो पुलिस है शूट करना चालू कर देगी, ठीक है। तो भाई ये हमको सायरन की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, आ रही है, ठीक है। बाकी तुम लोग चेकआउट करो भाई, G1 कितनी प्यारी लग रही है। अगर तुमको G1 डालना अपने GTA 5 के अंदर तो तुम मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में भी मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी प्लेलिस्ट मेंशन कर दूँगा, और उसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स के वीडियो वो भी मेंशन कर दूँगा, तो चेकआउट करके अपने GTA 5 के अंदर डाल देना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, ठीक है, ओके। हमको शूट नहीं करना, हम सीधे नॉर्मली खड़े, ठीक है,
सरेंडर करेंगे। यहाँ पे एक और दूसरी गाड़ी आएगी भाई, ये वाली व्हीकल नहीं है पुलिस की, दूसरी व्हीकल आएगी उसके अंदर बैठ के हमको जाना है। ये अपने आप भी बैठ जाएगा, ठीक है। ओके ये देखो उसने चेंज कर लिया, मैंने इसका चेंज कर रखा था। ओके ये रही भाई, ठीक है ये रहा बंदा और ये रही इसकी गाड़ी। हम इसके अंदर बैठेंगे, ये भी इसके अंदर बैठ गया भाई, हमको ले जाएगा प्रिजन, ठीक है। ये क्या पुलिस वाला भाई गाड़ी चला के नहीं आ रही इसको। अभी क्या कर रहा है ये, मजे ले रहा है क्या भाई इसके। भाई ओके तो तुमको इससे कोई दिक्कत हो ना तो तुम क्या करना, सिंपली ई प्रेस करके स्किप भी कर सकते हो ये वाली जो पूरी है ना, यहाँ से मतलब जाने की जो है, ठीक है। मैंने ई प्रेस किया, स्किप कर दिया और ऑलमोस्ट प्रिजन के वहाँ पे से बताएगा, ठीक है। ओके सो हमारे प्रिजन की तरफ जा रहे भाई, तो भाई ओके यहाँ पे रुक के। ओ भाई इसने ये भी तोड़ दिया, अभी ये घुसेगा क्या, मतलब यहाँ पे भी ठोक देगा भाई इसने इसे, पुलिस वाले ने तोड़ दिया भाई इसका वो बैरिकेड, ठीक है। ये भी खुल गया भाई, ये गेट से जाने के लिए खुलते हैं, ठीक है। वापस अगर तुमको बाहर निकलना तो नहीं खुलेंगे, ठीक है। एयरपोर्ट जैसे नहीं कि वापस ओपन हो जाएंगे, यहीं पे बस ये अंदर जाने के लिए ओपन होते हैं, ठीक है। हम इससे एस्केप करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया भाई, ठीक है। अब फटाफट हम चलते भाई, इतनी इज्जत के साथ जा रहा भाई बंदा, देखो सही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिजन में तुमको ये वाला गेट दिखेगा ब्लू वाला, इसके अंदर तुमको एंटर करना है, ठीक है। यहाँ जाओगे तुम अपने प्रिजन के अंदर चल जाओगे, अपने तुम्हारी जो कपड़े वो भी चेंज हो जाएंगे, जो हमने डाले थे ऑरेंज वाले, तुमको बता था ना हर एक बेड के लिए, ठीक है। तो भाई माइकल ये हमारा ये रहा, हम आ चुके हैं इसके अंदर, सारे तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे जिम वगैरह दे रखा है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे सब चीज़ें बनी हुई है, काफ़ी बड़ा प्रिजन है भाई, तुम लोग एक बार चेकआउट करो, ठीक है। अगर तुमको जैसे यहाँ से एस्केप करना हो तो बेल मिलेगी, बेल कहाँ मिलेगी तुमको, ये वाला तुम दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन मिल रहा है C32, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे प्रेस ई टू बेल, भाई कितने भाई ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है भाई, इतने में बेल थोड़ा दूँ, हमें नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, और अगर तुम सामने तुमको दिख रहा है 5 लिखा हुआ, 5 वाला जो सेल है, वाले सेल के अंदर जाओगे, ब्लॉक में जाओगे, तो तुम वहाँ पे भी एक बंदा मिलेगा, वो भी तुमको बेल वगैरह एस्केप के लिए पैसे मांगेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है भाई, वो तुमको बताता हूँ क्या है ना, ठीक है। ये बेल के लिए मांग रहा है, एस्केप के लिए इतने मांग रहा है, ठीक है। अब भाई ये एक और नीचे तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको भाई करता हूँ, ये देखो जितने भी भाई आप कैदी है ना भाई जेल के अंदर, सबके पास गन आ गई है, सब पुलिस वाले को मार, देखो जितने भी गार्ड्स खड़े हैं ना भाई, सबको ठोक दूंगा भाई, ये देखो। तुम भी अपने GTA 5 के अंदर भाई ये वाला मोड डालो, काफ़ी मज़ा आएगा भाई तुम लोगों को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई, ऊपर टावर पे जा दे, ओके चेकआउट करो भाई, सबके पास गन्स है, ओके। सो तुमको भी काफ़ी मज़ा आएगा भाई, मैं खेलने लग गया था, मैं भूल गया था वीडियो बना रहा, ठीक है। सो ठीक है, तो तुम लोग भी अपने इसमें डालो भाई, वाला मोड काफ़ी तगड़ा मोड है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतने मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए टेक केयर, बाय।